गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ आज आपका सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैं ज्योग्राफी का ले रही हूँ. ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपका एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के बारे में ऑलरेडी आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं, जो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग होती है. एक्चुअली द वर्ड एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स. इन्वायरमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे सराउंडिंग को डिनोट करती है, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग से हम सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं. इन्वायरमेंट फिर भी बोलूँगी कि आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो होता है हमारा सब चीज़ है, चाहे उसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है, एनवायरमेंट बनता है. अब हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है आपका इसका कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट के दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं आपका. एक है नेचुरल कंपोनेंट और दूसरा है आपका ह्यूमन एनवायरमेंट. एक आपका है नेचुरल एनवायरमेंट और दूसरा आपका है ह्यूमन एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट का मतलब कि जो चीज़ें हमें बाय नेचर मिली, और ह्यूमन एनवायरमेंट का मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का यानी कि जहाँ पे मनुष्य का इंटरफेयर है, जो चीज़ें मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, ह्यूमन मेड हैं, उनको हमने किस में रखा, ह्यूमन एनवायरमेंट में रखा. नेचुरल एनवायरमेंट को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक. बायोटिक और अबायोटिक क्या होती है, बायोटिक होती है सारी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी हमारी किस में आती है, बायोटिक में आती हैं. और अबायोटिक क्या होती है, फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लैंड, मिनरल्स, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सारी हमारी होती है अबायोटिक. मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक. बायोटिक में एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब बायोटिक आ जाते हैं. एंड अबायोटिक में लेक्स, ओशियंस, मिनरल्स, वाटर, क्लाइमेट, ये सारी जो कंडीशंस होती है वो हमारी किस में आती है, अबायोटिक में आती है. अब हम इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ले रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द नेचुरल एनवायरनमेंट. दे प्रोवाइड अस बेस फॉर एग्जिस्टेंस लाइफ लाइक लैंड टू लिव, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ फोर रेलिम्स, लिथोस्फियर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या. नेचुरल एनवायरनमेंट वो चीज़ है जहाँ पे हमने नेचर को दोनों चीज़ तो मिलकर बनाया ना, जिसमें बायोटिक भी आ रहा है और अबायोटिक भी आ रहा है. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बायोटिक और अबायोटिक दोनों से मिलके हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है. इट मींस बायोटिक में अगर सपोज ह्यूमन बींग्स हैं तो वो इंटरडिपेंडेंट है किसके ऊपर, अबायोटिक के ऊपर. जैसे ब्रीथिंग, एयर फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, उसके बाद सर्वाइविंग फॉर वाटर, हमको वाटर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा क्या बना रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट बना रही है. और इसलिए इसको हमने चार रिलीम्स में, चार सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकंड वन इज एटमॉस्फेयर, थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर. नाउ हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट का ये याद रखिएगा, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट. अभी हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर. किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं. लिथोस्फीयर क्या है, द थिक एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. जो हमारे को अर्थ क्रस्ट दिखती है, मैंने आपको फिफ्थ और सिक्स क्लास में भी ये चीज़ ऑलरेडी समझाई थी कि जो अर्थ क्रस्ट, जो अपर पार्ट हमारे को दिख रहा है जो कि सॉलिड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं. इट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड
विद इन लेयर ऑफ सॉइल। और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं लिथोस्फीयर में, हमारे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं एंड सॉइल, रॉक्स मिनरल्स एंड सॉइल से मिलके ये बना है। अब जो अरेंजमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है, लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है ये जब आप अभी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देयर इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन योर बुक, जो थिकनेस है वो कितनी है, अबाउट 100 किलोमीटर। कितनी है इसकी थिकनेस, लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो लगभग 100 किलोमीटर ठीक है वो। और जो लिथोस्फीयर है उसके कंप्राइसेस क्या है, यानी कि लिथोस्फीयर किस किस से मिलके बन रहा है, लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स भी आ रहे हैं ठीक है, और लिथोस्फीयर में ओशियन भी आ रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स मीन्स हो गया लैंड फॉर्म्स और ओशियंस मीन्स हो गया वाटर बॉडीज। इट मीन्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो 29% है और हमारे जो ओशियंस है वो कितने हैं, 71%। आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा अर्थ का 71% क्या है, वाटर है। इट मीन्स यहाँ पर ओशियन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी वाटर बॉडीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना आई थिंक आपको इतना चीज क्लियर हो गई होगी कि लिथोस्फीयर की थिकनेस, लिथोस्फीयर है क्या, अपर क्रस्ट है जो कि हार्ड है, जो रॉक मिनरल और सॉइल से मिलके बना हुआ है। उसके अलावा इसकी थिकनेस हमने देखी 100 किलोमीटर है। देन हमने लिथोस्फीयर का कंप्राइजिंग देखी कि लिथोस्फीयर किस किस चीज से क्या क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है 29% एंड ओशियंस है 71%। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और हम लिथोस्फीयर की लेयर्स देखेंगे कि लिथोस्फीयर की इट हैज टू लेयर्स। लिथोस्फीयर इसकी दो लेयर्स हैं, एक लेयर है स्याल SIAL और दूसरा है सेमा SIMA ठीक है। अब इसका नाम स्याल और सेमा क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा, आर द जो स्याल्स हैं आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिच इन सिलिका एंड अल्यूमिनियम। इसको अगर हम अलग अलग करते तो SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स अल्यूमिनियम। क्लियर है बेटा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसलिए SI और A, यानी कि यहाँ पे जितने भी रॉक्स मिनरल्स पाए जा रहे हैं उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। दूसरी तरफ सीमा इट फॉर्म्स अ ओशियन बेसिन, ये बेसिकली ओशियन बेसिन्स बनाते हैं हमारे रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये किससे, ये किस, इसमें क्या क्या है, इसमें है SI सिलिका और MA से आपका बन गया मैग्नीशियम ठीक है, आपके बुक में भी क्लियर कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो लेयर्स देखी, लिथोस्फीयर की दो लेयर्स देखी, सियाल और सेमा SIAL, SI प्लस AL यानी कि सियाल बना सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमारा देखा हमने SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सिलिका से मिलके जो बना सेमा बना। लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रास लैंड एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिथोस्फीयर है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, बिकॉज जो लिथोस्फीयर है वहाँ पे हमारे को कॉन्टिनेंट्स भी मिल रहे हैं, वहाँ फॉरेस्ट भी मिल रहे हैं, हमारा लिवलीहुड भी जो है वो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मनुष्य जो अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है जहाँ पे रह रहा है वो कौन सी लेयर है, हमारी लिथोस्फीयर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका दूसरा एस्पेक्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। क्या आ रहा है अब हमारा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मींस क्या हो गया, वाटर बॉडी। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हमारी वाटर बॉडीज हो गई। 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज वाटर, ये ऑलरेडी हमें पता है, हमने अभी भी देखा कि 71% जो है हमारा वाटर है। इट इंक्लूड्स ओशियंस सीज लेक्स रिवर्स एक्सेट्रा, 71% यहाँ पे वाटर है। अर्थ समटाइम्स कॉल्ड वाटर प्लैनेट, यहाँ पे क्योंकि 71% वाटर बॉडीज है इसलिए कई बार अर्थ को क्या कह दिया जाता है, वाटर प्लैनेट। अर्थ को क्या बोला जाता है, आपको पता है अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट भी इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं अर्थ को तो क्या दिखता है हमारे को, उसका कलर हमें ब्लू दिखता है ड्यू टू वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे नीड ऑफ वाटर, अब यहाँ पे आपको बताया गया कि वाटर की हमारे को
हमने देखा जैसे लिथोस्फेयर की जरूरत क्यों है, क्योंकि वहां से फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स है, तो व्हाई वी नीड हाइड्रोस्फीयर, वाटर की नीड क्या है। डोमेस्टिक यूज देखो, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं वाटर को, हम डोमेस्टिक यूज भी करते हैं, वाटर को हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा है। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू मरीन लाइफ। मरीन लाइफ क्या होती है, जो वाटर बॉडीज होती है जैसे फिश हो गए, वेल्स हो गए या एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उन सबको लाइफ देने में किसका मेन हाथ है, वाटर का। वाटर बहुत जरूरी है। देन उसके अलावा इवन इन द सी बेड्स डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस आर फाउंड। ओशियंस आर मेजर लिंक्स बिटवीन लैंड मासेस एंड प्रमोट ट्रेड एंड कल्चर। देखिए, एक घर से हमने शुरू किया था ना, हमने नीड ऑफ वाटर में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज से लेते लेते हम कहाँ पहुंच गए, ट्रेड तक पहुंचे, यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं वो हमारे को कोई एक एस्पेक्ट फुलफिल नहीं कर रहा। अगर हम देखें वाटर बॉडीज हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है, वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सो इस क्लास में मैंने आपको बताया एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट को मैंने आपको पार्ट्स टू पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, जिसमें से वन इज नेचुरल एनवायरमेंट एंड सेकंड वन इज ह्यूमन एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट को फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मींस मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक मींस मैंने आपको बताया नॉन लिविंग थिंग्स। देन हमने नेचुरल एनवायरमेंट को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो लेयर्स पढ़ी, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिलेट टू लैंड मासेस एंड हाइड्रोस्फीयर रिलेट्स टू वाटर बॉडीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एटमोस्फियर और बायोस्फियर के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।